किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। वैसे तो ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डबवाली पे, लेकिन आज मंडी डबवाली से एक अलग मंडी लगी है। अब आप कहोगे ये अलग मंडी कौन सी है, ये सामने आप देख रहे हो किंग ऑफ द पंजाब गुरविंदर भाई ने आज खुद की ही मंडी लगा रखी है। ऐसा नहीं है कि मंडी से अलग हो गए हैं, लेकिन गाय ही इतनी ज़्यादा है कि छोटी सी खुद की मंडी एक तैयार हो गई है। वहाँ से जैसे जैसे कैमरे में देखते जा रहे हो वहाँ तक और इधर और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक टोटल 30-35 गायें गुरविंदर भाई के पास अवेलेबल है। सभी गायें जो आप देख रहे हो, अभी सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे वीडियो बना रहे हैं, सेल के लिए अवेलेबल है। क्या रेट है, कितने दूध की है, उसके बारे में गुरविंदर भाई से पूछते हैं। उससे पहले जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, हम अपने चैनल पर पंजाब की हर मंडियों की वीडियो शेयर करते रहते हैं। मंडियों की वीडियो देखने के लिए, पशुओं की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर देख सकते हो, यहाँ से गायें शुरू होती है और उधर लास्ट तक गुरविंदर भाई की गायें हैं। ये जो गायें खड़ी है यहाँ तक गुरविंदर भाई की गायें हैं। तो गुरविंदर भाई से बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ रिकॉर्ड रहता है। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। मंडी के अंदर खुद की मंडी? खुद की मंडी सर, ये कस्टमर का प्यार है सर जी। 30-35 गायें होगी? बड़े आराम से सर, ऊपर होगी, कम नहीं है सर। कम नहीं होगी, हाँ। दिख रहा है वो तो। तो इतनी गायें इकट्ठी मंडी पे डाली है, आज सुबह का टाइम है, जैसे अभी लेकर आए हो सर? जैसे मान लो 20 गए, 25 इधर से घर से लेके आए थे, क्योंकि छोटा गुजरात का माल था वो। और जैसे बड़े एनिमल का हमारे पास पार्टी आने वाली है जम्मू कश्मीर की, जैसे बारामूला की, अनंतनाथ की। अच्छा, वो पार्टी आई बैठी है? वो पार्टी आई है, आठ जाइए, उन्हें उनके लिए सिलेक्टिंग पीस रखे हैं, वो फार्म पे जाके सिलेक्ट करवाएंगे सर उनको। ठीक है जी जी। आज आपको लग रहा है ये गाय मंडी पे लेकर आए हैं, यहीं सेल कर दूंगी सारी? सर सेल तो कर देंगे, कस्टमर भी ले रहे हैं, पर अब जो पार्टी आके रुक गई है सर, उनके लिए रोका है माल जी। अच्छा, हाँ। पहले वो सिलेक्ट करेंगे? पहले वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो 1500, चलो मान लो 800-900 पड़ जाता हमें, जम्मू कश्मीर श्रीनगर से आए हैं, वो 800-900 पड़ जाता, वो हमारे लिए कुछ आश लेके, हम कल को उनको माल ही ना दे सके तो हमारे पास कैसे आएंगे वो। यहाँ से तो मंडी पे घूमने की जरूरत नहीं, आप ही सिलेक्ट करवा दोगे? एक मिनट, उनसे बात करते हैं पहले, किसान भाई वो बैठे हैं सामने, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले इन गायें का कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पेंड होती है रेट? सर मान लो हमारे पास 40 से एनिमल स्टार्टिंग होके 90 तक है सर। और दूध क्या प्रोवाइड करवाते हो? दूध 20 से लीटर से स्टार्टिंग होके सर, और 40 या 5 लीटर तक मिल्किंग है सर। आज के टाइम पे, आज संडे को कितनी पार्टी आपके पास है, कितने पशु आपके मतलब बुक हो चुके हैं बिकने के लिए? सर जम्मू की एक पार्टी है। कितनी गायें लेनी है उन्होंने? उन्होंने 8 गाय लेनी है सर। और एक श्रीनगर की उन्होंने 7 लेनी है सर। और एक अनंतनाग, उन्होंने भी 7 लेनी है सर। ठीक है, अनंतनाग की 2 पार्टी, उन्होंने एक ने 5 लेनी है, एक ने 2 लेनी है सर। ऑनलाइन ऑर्डर किसका है? ऑनलाइन ऑर्डर वही अपने 50 एनिमल वर्ल्ड को चल रहा है सर। चल रहा है। कितनी गाय होगी उनकी? उनकी सर अभी भेज दिया, उनकी 30 गाय भेज दिया सर। 20 रह रही है सर। केरला का ऑर्डर पूरा हो गया? केरला का ऑर्डर सर भेजा, कल ही लोडिंग किया सर। कल लोडिंग किया जी जी। कमाल है, इतना ऑर्डर कैसे बुक हो जाता है? सर काम अच्छा करेंगे तो ऑर्डर बुक हो जाता है, काम अच्छा करेंगे तो ऑर्डर बुक हो जाता है, अगर काम बुरा करेंगे तो ऑर्डर नहीं बुक होगा सर। देखो सर, ये धंधा हमें ब्लड लाइन में तो मिला ही मिला है, बाकी स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा, अभी आजकल यूट्यूब का जमाना आ गया सर, तो मालवा फार्म का स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर, क्योंकि आजकल वर्ल्ड में बहुत अच्छा चल रहा है मालवा फार्म सर, क्योंकि मेरे को मालवा फार्म में बहुत सारा जो कस्टमर की बदौलत है, तो आज मालवा फार्म की तरफ से है सर मेरे को, और मालवा फार्म को स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा सर। गायें का बैकग्राउंड बता दो जी, कौन से ब्यांद में है? सर हमें बैकग्राउंड बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है इसका, डेनमार्क 40-116 की है सर। ठीक है जी। और PDFA का इंजेक्शन लगा हुआ है, और फर्स्ट में इसने 33 लीटर मिल्किंग किया सर। अब कितना करेगा? 40 लीटर मिनिमम है, बाकी ऑर्डर से आइडिया लगा लोगे सर। फेस क्वालिटी देखना कितनी अच्छी है सर, प्योर जेट ब्लैक है सर। क्या रेट मांग रहे हो? आपका तो फिक्स ही रहता है सर। हमारा फिक्स ही रहता है सर, इसका जरो आज का प्राइस है जो 88 है सर। सेल के लिए चलाओ जी। गाय की मिल्किंग वेन देखो सर, आर्डर क्वालिटी देखना सर, कितनी हाई ब्रीडेड गाय है सर, और टॉप ब्रीड की गाय है सर, जिससे बोले डेनमार्क की, प्योर डेनमार्क की 40-116 की है सर। बाकी जिन भाइयों को ब्रीड के बारे में पता है, उनको ब्रीड के बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, मिल्किंग वेन चेक कर सकते हो, ऑर्डर की क्वालिटी चेक कर सकते हो, फिटनेस चेक कर सकते हो, ये चीज़ें क्वालिटी चेक करने वाली होती है सर। जी गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? सर इसका पहले तो फेस क्वालिटी देखिए, खुद ABS की है सर, आगे स्ट्राइकर का सीमा, फेस क्वालिटी देखना सर, बोल तो देते हैं ये स्ट्राइकर की है, पर ओरिजिनल स्ट्राइकर की ये होती है सर। इसकी फेट क्वालिटी देखो, ऊपर की सर, ये गोदा देखो सर, ये माथे की डगाई देखो सर,
ये चीजें बहुत मायने रखती है। अभी इतनी जल्दबाजी में वीडियो बनाने का क्या कारण है? नीचे कमेंट आते हैं कि मंडी पे जल्दबाजी पे वीडियो क्यों सर जल्दबाजी पे। एक तो कस्टमर पहले तो सर 4-5 थे, जो भी जम्मू गए हैं वो भाई बोल रहे हमें भी गाय दो, कश्मीर से आ रहे हैं वो भी हमें भी गाय दो, उनको सेटिस्फाई करना जरूरी है हमारे लिए सर। नहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर के साथ लग जाते हो फिर दो तीन कस्टमर नहीं, कस्टमर को बैठा देते हैं अभी जब हमारे पास टाइम होगा तब आपकी एनिमल प्रोसेसिंग करवाएंगे, जल्दबाजी में एनिमल नहीं देंगे सर, क्योंकि जल्दबाजी से हमें चोट हो जाएगी कंप्लेंट आएगी सर। ठीक है, कस्टमर जो आता है खुद जाते हो या किसी को भेज देते हो? नहीं सर खुद जाता हूँ साथ में, कस्टमर में कस्टमर तो मेरे विश्वास पे आ रहा ना सर। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर यहाँ पे आ गया किसी और के पास? नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, कस्टमर मेरे विश्वास पे आए, इतनी दूर से डीलिंग हम खुद करते हैं सर। जे गाय बता दो फिर कितना दूध करेगी? सर मिनिमम 35 लीटर मिल्किंग सर। और रेट 75 सर। चलाओ जी, तो किसान भाई वो 35 लीटर दूध करेगी, 75,000 रेट है। अभी 20 डेज पड़े हैं गाय के सर, और मैं आपको गाय के ऑर्डर की क्वालिटी दिखाता हूँ सर। एक मिनट रोकना, ये ऑर्डर की क्वालिटी देखना सर, लफाफा देखना अभी कितना पड़ा है, घुटनों के ऊपर ऑर्डर रहेगा सर, घुटनों के ऊपर ऑर्डर रहेगा, फिटनेस रहेगी सर, लेग स्कोर देखो कितना अच्छा है, लेग स्कोर देखो गाय का सर, फिटनेस देखो, ऑर्डर की बनतर देखो, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है सर। गाय की चमड़ी देखो प्योर ABS की है सर, जिसे बोलते हैं ABS की, प्योर प्योर ब्रीड में ABS की सर। और क्वालिटी देखो, ये कई भी बोल देते हैं ये ABS की है, खाली कलर नहीं, हम उसको नहीं बोल दिया ABS में, सामने खड़ी कलर तो उसका भी वाइट और ब्लैक है, ये लोकल है, वो भी आप ही किया ना? जी वो भी हमारी है सर, वो कम बजट के लिए, जो भाई कम बजट गुजरात के लिए, जैसे लोन हो रखा है सर 45 का है, वो लोन वाली गाय है सर, वो भी सेल के लिए, वो ही सेल के लिए सर। ये खुद PDF की सर, आगे इसको डेनमार्क 40116 का सीमा लगा, हम बोलते नहीं है सीमा लगा सर, हम इनका बायोडाटा लेते हैं, ब्लड लाइन लेते हैं सर, आप हमारे किसी भी एनिमल का आप टेस्टिंग करवा सकते हो सर, जो टेस्टिंग होता है ना, आप कभी फार्म में आओगे ना उससे आपको क्लियर हो जाएगा, किसी भी एनिमल का टेस्टिंग करवा सकते हो सर। और दूध कितना देगी, रेट कितना है जी? दूध 35 लीटर देगी, जो प्रेजेंट टाइम में प्राइस है सर इसका 78 है सर, 78 जी ए 10 डेज में डिलीवरी दे देगी। और ऑर्डर की क्वालिटी देखो सर, मेरी वीडियो में एक ही क्वालिटी है, हमारे में कंप्लेंट क्यों नहीं आती, क्योंकि हम आप ऑर्डर की क्वालिटी, लेग स्कोर, ये चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं सर। और फिटनेस देखो ऑर्डर की कितनी, अभी तो 10 डेज पड़े हैं सर, गाय की क्वालिटी देखो, फेस क्वालिटी देखो ऑर्डर की, गाय की चाल देखो सर कितनी अच्छी है, और ऑर्डर की बांधर देखो सर, अगर ऑर्डर अच्छा होगा तो ही दूध दे पाएगी गाय सर, ऑर्डर अच्छा होगा तो ही दूध दे पाएगी, अगर ऑर्डर में क्वालिटी नहीं है, गाय में क्वालिटी नहीं है तो कहाँ दूध दे देगी सर। ऑर्डर क्वालिटी होनी चाहिए गाय में, वो तो मिल्किंग वाले बहुत से करैक्टर होते हैं सर गाय में, वो तो करैक्टर होने जरूरी है सर, और करैक्टर की वजह से ही हम मान लो इनका मिल्किंग जो निकाल सकेंगे, आपका फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा सर। ये चीज़ें बहुत मायने रखती, क्यों हमारा डेयरी फार्म दिन भर दिन सक्सेसफुल हो रहा है, हमें एक हमने ब्रीड पे काम किया और ब्रीड पे हमारे में हम नॉलेज है सर, खुद पैनी मेकर किया सर, और फर्स्ट में, और दो दांत है सर मुँह से, और मिल्किंग की बात करें तो 25 लीटर मिल्किंग करेगी फर्स्ट में ही सर, ये मदर कॉर्ड बहुत अच्छा 35 लीटर 40 के समथिंग इसकी मदर गई है सर, और सीमन बहुत अच्छा लगा है, 66 सीमन लगे हुए हैं, और आगे इसको ABS का लगा हुआ है सर, और फेस क्वालिटी देख ली आपके सामने सर, और गाय का आप ऑर्डर की शेप दिखाते हैं, कितना दूध करेगी आपकी बार? सर 25 लीटर मिनिमम दे देगी सर, और ऑर्डर की बनतर देखिए सर कितनी अच्छी है, लेग स्कोर देखो गाय का कितना अच्छा है, फिटनेस देखो ऑर्डर की सर, प्राइस का सर 64 सर, ऑर्डर क्वालिटी देखो सर, अदर फार्मों में जाओगे तो यही गए आपको 75-80 के समथिंग देंगे सर, हम जेन्युइन प्राइस से हम चलते आ रहे हैं सर, हमें 2000 मार्जिन से संतुष्टि है, 2000 मार्जिन से संतुष्टि, इसीलिए हम किसी भी कस्टमर से ज़्यादा पेमेंट नहीं लेना चाहते, जो ईमानदारी का पैसा ही साथ में जाता है सर, बेईमानी का पैसा कभी साथ में नहीं जाता, क्योंकि हमारा दिन भर इसी पे काम है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे यूट्यूब पे आए बहुत सारे चले गए, हमारा यूट्यूब पे टिके होने का माध्यम यही है, क्योंकि मैं गुरविंदर भाई आप जब आपके पास पहली बार वीडियो बनाने आया था तो आपके पापा से भी मैंने बात की थी जी, उनके विचार बड़े अच्छे थे जी, आपको क्या बात सिखा कर गए थे वो किसान भाइयों के साथ भी सर? यही बात उन्होंने भी, जो ये हमें धंधा ब्लड लाइन में मिला है, और उन्होंने भी हमें एक ही काम सिखाया, अभी अच्छा काम करोगे तो दिन ब दिन कस्टमर बढ़ेंगे सर, उनके पास भी बहुत कस्टमर थे, उनके कस्टमर थे, हाँ उनके पास भी बहुत ज़्यादा कस्टमर थे, उनके कस्टमर आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर अच्छा काम करेंगे तो कस्टमर दिन भर बढ़ेगा, उन्होंने यही काम सिखाया। किसान भाइयों गुरविंदर जी के पापा जी की लास्ट टाइम डेथ हो गई थी, लेकिन गुरविंदर अभी भी उनके काम की केयर कर रहा है, उनकी बातों पे खरे उतर रहे हैं, जो बातें उन्होंने सिखाई थी वो आज भी ये चेते रखे हुए हैं, वही बातें आज भी अप्लाई करे हुए हैं।
सर उनकी बातों के सिखाए, क्योंकि एक तो होता है सर नया एक वीडियो अनजान व्यक्ति ने वीडियो बना रहे हैं सर आजकल, एक तो होता है उठकर वीडियो बनानी, एक धंधा होता है ब्लड लाइन में मिला हुआ सर, उसमें बहुत दिन रात का फर्क होता है। ब्लड लाइन में मिला हूँ, छोटे छोटे थे जब हम इस लाइन में आगे थे सर, छोटे छोटे थे जब इस लाइन में आगे थे, तो हमें तो एक एक ब्रीड की परख है सर, किसी भी एनिमल की मिल्किंग वेन चेक कर सकते हो सर। और जे कस्टमर खड़े हैं अभी आए हैं और इनको सर माल सिलेक्ट करवाएंगे, जितना सिलेक्ट हो गया, अगर नहीं हुआ तो और मान लो ये श्रीनगर से आए हैं सर, इस गाय की डिलीवरी हो चुकी है अभी, 28 लीटर मिल्किंग रेडी है सर, 28 लीटर मिल्किंग रेडी है, सैक्सिमम लगा हुआ। कब डिलीवरी हुई है सर? इसको 5-7 रोज हो गए अभी, 28 लीटर मिल्किंग रेडी है सर। ये मिनिमम मेरे हिसाब से इसको 35-40 के नहीं जाना चाहिए सर, क्योंकि 15 दिन में ये दूध भी आती है सर। मिल्किंग वेन चेक करो, आर्डर का लेग्स कोर्स चेक करो सर। और ऐसी ही हमने जो गाय लास्ट वीडियो में दिखाई थी वो प्रेग्नेंट थी, कश्मीर में चली गई अंतनाग में, ये भी श्रीनगर में जा रही है, ये सेल हो चुकी है। नहीं, ये गायों ने आते वक्त ही सिलेक्ट कर ली थी। अच्छा, सुबह सुबह ही सेल कर नहीं थी। सुबह सुबह अभी आके उन्होंने रेट पे सेल हुई है सर। ये अभी अभी आज के टाइम में 35 लीटर मिल्किंग बोला मैं को 80 का दिया हुआ सर, 80 का जी जी। चलाओ ये सर, आर्डर क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, लेग स्कोर देखो, आर्डर की फिटनेस देखो सर, इस गाय का नहीं सर, ये तो मान लो रेडी फॉर डिलीवरी हो चुकी है। हमारी सभी एनिमल का आर्डर की फिटनेस, हम सभी एनिमल का आर्डर की फिटनेस बहुत अच्छी रहती है सर, अगर आर्डर में जान होगी तो ही मिल्किंग कर पाएगा सर। सर हमारे पास आज 3-4 पार्टी है, क्यों है सर? हर टाइम हमारे पास 25-30 एनिमल का हर रोज कस्टमर रहता है, क्यों रहता है सर? काम अच्छा करके दे रहे हैं सर, काम अच्छा कर दे रहे हैं, तो ये आप आगे आगे देखो, कश्मीर में हमने बहुत सारा माल दे दिया, कम से कम मेरे इन दिनों से 500-700 गाय चली गई है। देखो हर डिस्ट्रिक्ट में जा रही है, अगर बारामूला में गई है तो बारामूला में ही जा रही है, बारामूला में जा रही है। क्यों जा रही है सर? जो बारामूला में फर्स्ट कस्टमर आ गए वो आगे रेफरेंस दे रहे हैं, हम इस डेयरी फार्म से गाय एनिमल लेके आए थे। रेफरेंस तो तभी दिया जाएगा ना अगर ईमानदारी से चलोगे, ईमानदारी से चलोगे एनिमल अच्छा देंगे सर। सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर, ईमानदारी भी सबसे साथ में जानी और एनिमल भी सबसे साथ में जाना। हम एनिमल ब्रीड में देते हैं सर, इसी यही काम मान लो सबसे बेटर है सर। देखो जी, जे माल हमारे लिए सेल के लिए अवेलेबल था 30-35 गाय, तो मैं दूसरी बात बोलना चाहूँगा, जे स्टॉक ये सारा सेल के लिए खड़ा है सर, अभी भी ये जो कस्टमर आया उनके लिए रख लिया है। वैसे तो हमने सेल के लिए था लेकिन रखना पड़ा क्योंकि कस्टमर इतनी दूर से आए 700-800 किलोमीटर पे, उनको सिलेक्ट कराएंगे सर, कल एनिमल और आ जाएंगे हमारे फार्म पे, उनको सिलेक्ट कराएंगे सर। हर टाइम आपके फार्म पे, घर पे जो आपका फार्म है जी जी, वहाँ पे कितने एनिमल 24 घंटे सेल के रहते हैं? सर मिनिमम 15-20 एनिमल टॉप ब्रीडेड एनिमल रहते हैं सर, और क्रॉस भी रहते हैं? क्रॉस भी रहते हैं सर, टॉप ब्रीड पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं सर, क्योंकि हमारा माल इन दिनों कश्मीर ज़्यादा जा रहा है सर, उधर कोई IDDS के तहत स्कीम चल रही है सर, उसका स्कीम का जो यंग एज है जो बेरोजगार है उसका लाभ उठा रहे हैं और एनिमल दे रहे हैं सर, हम साथ में नौकर प्रोवाइड करवा रहे हैं और उनको सक्सेसफुल कर रहे हैं। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जैसे आप वीडियो का दिन भर अच्छा से अच्छा प्यार दे रहे हो, सभी भाइयों को बोलना चाहूँगा अगर कोई हमारे में कोई नेगेटिविटी है तो आप नीचे कमेंट करके बताओ सर, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कमेंट करो सर, ऐसा नहीं है आपको हम बोलेंगे हम ये है ये, आपके कमेंटों के जरिए हमें पता चलता है भी हम क्या हमारे में कमी है क्या नहीं है सर। कमेंट करके अच्छे से अच्छा कमेंट करो और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कमेंट करो सर, मैं नहीं बोलता भी आप पॉजिटिव ही करो, और क्योंकि आपके कमेंटों के सदका जितनी अच्छी वीडियो आप शेयर करते रहोगे उतना ही अच्छा हम आपको प्यार देते रहेंगे। सभी भाइयों का धन्यवाद।